हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है वेस्टर्न कंट्रीज में टॉयलेट की जगह पे पानी की जगह टिश्यू पेपर क्यों यूज़ किया जाता है, या फिर टॉयलेट पेपर क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया रहेगा, और आपने एक बात ज़रूर नोटिस की रहेगी कि वहाँ पे लोग टॉयलेट में ज़्यादातर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही पानी का। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे सारे रीज़न आज हम आपको बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, यानी पानी बेटर है या टॉयलेट पेपर बेटर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टिश्यू पेपर क्या, ये कैसे कंसेप्ट चालू हुआ, ये कहाँ से चालू हुआ। तो टिश्यू पेपर यूज़ करने का, यानी टॉयलेट में टिश्यू पेपर यूज़ करने का कंसेप्ट बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद अमेरिका ने भी ये सारा जो ट्रेंड है, ये सारा ट्रेडिशन है, उसको स्वीकार किया। और अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करते हो तो आपको ऐसा कुछ ठोस रीज़न नहीं पता चलेगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग हैं, ये टिश्यू पेपर क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, और जो भी रीजंस हमको पता चले, ये सारे रीज़न आज हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो ये जो टिश्यू पेपर यूज़ करने का रीज़न है टॉयलेट में, ये एकदम पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, और इसे लोग जो है ट्रेडिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशन की तरह इन लोगों ने स्वीकार लिया। और आपको पता ही होगा कि जब भी ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जब भी कोई भी वो चीज़ जो है वो स्वीकार लेता है, उसे वो चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हमारे कंट्री में, यानी इंडिया में, पहले आपको पता होगा कि लोग जो है वो टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, यानी बाहर खेतों में जाते थे। लेकिन धीरे धीरे टॉयलेट का कंसेप्ट जो है वो आने लगा, लेकिन उसे लोगों ने जल्दी स्वीकाराना है। उसके लिए भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारा प्रमोशन करना पड़ा, और आज भी ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जो है टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। बस वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जो टिश्यू पेपर यूज़ करने का कंसेप्ट चालू हुआ, और उसे आज तक लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, यानी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो अगर वो पानी यूज़ करते हैं टॉयलेट में, तो उनको हीटर भी रखना पड़ेगा, यानी उनको गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडे पानी का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है टॉयलेट धोने के लिए। तो उनको जो है गर्म पानी वापस, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उनको वापस ये प्लम्बिंग वगैरह की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि अभी धीरे धीरे वहाँ के लोग जो है वो टॉयलेट पेपर में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करने लगे हैं, यानी वेट टॉयलेट पेपर वो यूज़ करने लगे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि वहाँ के कुछ लोग जो है उनको भी ये चीज़ समझने लगी है कि पानी जो है वो डेफिनेटली टॉयलेट पेपर से इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि टॉयलेट पेपर अगर इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट धोने के लिए, तो उसकी वजह से गंदगी पूरी निकलती नहीं है, उसकी वजह से जो स्मेल रहती है वैसे ही रह जाती है, और इन्फेक्शन होने के भी खतरा रहता है, इचिंग वगैरह होने के भी खतरा रहता है। तो इसके लिए वहाँ के लोग जो है बहुत अभी अवेयर हो गए हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें समझने पता चल गई है, और वो भी अभी धीरे धीरे टॉयलेट में जो है वो पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए है। और डेफिनेटली टॉयलेट में पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप भी कभी फॉरेन कंट्री जाते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पे अगर टिश्यू पेपर है, वहां पे अगर जेट नहीं है, तो आप वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो, और वही अपना जो ट्रेडिशन जो तरीका है टॉयलेट को साफ करने का, वो आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री के लोग खास करके, ये टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक सबसे बड़ा यही रीजन है कि वहां का जो ट्रेडिशन है, यानी पुराने जमाने से ये जो चीज चलती आ रही है, ये अभी लोगों के हैबिट में है, उसे चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो, अगर आप इंटरनेट पर और रिसर्च करते हो तो आपको यही सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और करंट अफेयर्स से लेके जीके तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और हमारा प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है। आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारी वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।